होने वाली है गॉडलाइक की। मॉन्स्टर ट्रक आएगा, पुश किया जाएगा, एक नॉक करना चाहेंगे और वो मिलेगा भी गॉडलाइक को। दो फिनिशेस यहां पर मिलते हुए, अगर क्वालिफाई करना है तो ट्रक में बैठे इस प्लेयर को भी काफी आराम से वाइप करना पड़ेगा। जॉनथन आगे जाएंगे, डीबीएस का फटका, राइवलरी का ये चैलेंज उन्हें पड़ा भारी, बिकॉज सब निकालेंगे यहाँ पर एक नॉक, बट जी गॉड वहां पर नॉक पड़े हैं। उधर 7C के प्लेयर्स ने थोड़ा सा हमला किया है जिसमें जॉनथन के ऊपर एक ग्रेनेड था, बाल बाल बचे हैं, रिवाइवल जो चाहिए था वो भी मिल चुका है। जॉनथन का एक ग्रेनेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ग्रेनेड, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फाइट। संयम को यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा जी गॉड के द्वारा, जैक्सन के ऊपर एक साथ पाउंस ऑन करने की प्रयास में गॉड लाइक की ये टीम आगे बढ़ रही है। ब्रोकन वॉल के पीछे डायनोसिस जिन्हें फिर से नॉक कर दिया जाएगा, क्लच गॉड एक अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं आज। ये टीम क्वालिफाई होने के लिए खेल रही है और फाइनल्स में आपको जीतती हुई भी दिख सकती है अगर इसी तरीके का फॉर्म आपको कैपेबिलिटी है यहाँ पर। लेकिन जिस तरफ टीम 7C अब अलग अलग हो चुके हैं, रिवाइवल देने के बाद शायद बाहर आ चुके थे, लेकिन संयम ग्रेनेड फट तो जरूर आता है लेकिन वो बाहर खो चुके हैं जहां तक मुझे। नहीं नहीं खोदे नहीं, यहाँ पर बचा लिया जैसे थे करके, लेकिन कितने ग्रेड से बचेंगे, कितने मोलोटॉप से आप बचेंगे, ये तो अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि उनके पीओवी से ही पता चल पाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर जी नहीं इस बार जी कॉड ग्रेड का ग्रेनेड फटेगा और शायद उनकी उम्मीदें जो आखिरी बची हुई है जैक्सन के द्वारा वो भी समाप्त होती नजर आई। कोशिश काफी अच्छी जरूर थी, ड्रॉप शॉट रहने की कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन एक क्लीन फाइट 7 फ्रैग की पड़ेगी 8-bit को। बट रियलाइज करना पड़ेगा कि ये स्प्लिट लंबा है, शैडो ने क्लच गॉड की गाड़ी फोड़ दी और शैडो ने खुद की गाड़ी भी फोड़ दी है। एंटिटी ने वहां पर पॉइंट्स निकाल दिए, व्हाट जस्ट हैपेंड, जब बाकी टीमें कुछ नहीं कर रही हैं क्यों एक दूसरे की गाड़ियां फोड़ी जा रही है। जॉनथन भी नॉक, व्हाट अ ब्लंडर फ्रॉम टीम गॉडलाइक। जी गॉड अकेले, आई एम स्पीचलेस। 6 फ्रैग 9 या 8 फ्रैग निकले यहां पर, लेकिन छठे पायदान में एलिमिनेशन होने का मतलब है।